ये जो एक तबका निकला है जो कहता है हर बात सिर्फ कुरान से बताई जाए, तो हमने कहा अच्छा कुआं जो है उसमें अगर गधा गिर जाता है तो बताएं वो कुआं कैसे पाक होगा, उसको कुरान मजीद से निकाल कर दिखाओ। जिस पर सब ने कहा आपने कुरान मजीद की तोहीन की है, तो आप जरा रहनुमाई फरमा दीजिए। चोरी और ऊपर से सीना जोरी, उस बेचारे ने सही मसला बयान किया कि खुदा के बंदे कुरान पाक में तिबयानन लिकुल्ली शय है, कुरान हर चीज का बयान है, लेकिन हर ऐरे गैरे नतु खैरे के लिए नहीं कि वो हर चीज कुरान से निकालता फिरे। वो अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं मेरे ऊंट की अगर रस्सी भी गुम हो जाए तो मैं कुरान के इल्म से ढूंढ लूंगा कि वो रस्सी कहां पड़ी है। वो उन लोगों के लिए है जिन्होंने बारगाह रिसालत में कुरान 20-20, 50-50 साल सीखा है अरबी होने के बावजूद। आप गूगल शेख के जो मास्टर हैं हर चीज गूगल से पूछते हैं, वो उनके लिए नहीं है कि तबियानन लिकुल्ली शयइन आपके लिए भी हो जाए, नहीं, ये गोताखोर को ही मोती मिलते हैं। जो माहिर तैराक है वही मोतियों को हासिल करता है जिसने इसमें पूरी अपनी जिंदगी लगाई है। लिहाजा उसने सही कहा इल्जामी जवाब देते हुए कि अगर गदा गिर जाए तो आप बताइए कुरान से निकाल कर, फिर आपको तो अपनी नमाज, अगर मैं कहूं पूरी नमाज का सबूत आप कुरान से दे दें जो आप पढ़ते हैं, तो शायद आपको उसके लाले पड़ जाए, यार वाकई मैं कहां से निकालूं। तो गदा तो उसने चलो दूर की मिसाल दे दी कि वो पाक करने का तरीका क्या होगा, लेकिन ये सही इल्जामी जवाब दिया उसको ताकि उसके मुंह पर उसकी उसी तरह का थप्पड़ मारा जाए कि तुम ये कहते हो कि हर चीज का बयान है तो चलो फिर निकालो, अगर इतने ही तुम तैराक बने हुए हो, क्योंकि इनका हर दूसरा बंदा वो इमाम आजम है, हर तीसरा बंदा वो भाई तेरे वजू करना नहीं आता, इस्तिंजे के तेरे मसाइल याद नहीं, तू इमाम आजम बन गया, इमाम आजम पे भी तनकीद कर रहा होता, उनको तो 17 हदीस याद थी, मुझे 18 होगी। वो खुदा के बंदे यानी इस तरह की बातें कर रहा होता है, तुझे 18 होगी और तू इमाम आजम का आजम बन गया है, यानी ये हाल है इन लोगों का। अल्लाह ताला इनको हिदायत अता फरमाए, ये कोई तौहीन कुरान नहीं।